दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। शक्कर जैसी ही दूसरी जो सबसे खराब चीज है जिससे आप नफरत करिए घृणा करिए, उसका नाम है डालडा, वेजिटेबल ऑयल। डालडा के नाम से तो आप सब समझते हैं, डालडा से नफरत करिए, इतनी नफरत करिए कि उसको छूने का भी नहीं, बहुत ही खराब। ये दो चीजें, शुगर माने चीनी और डालडा, अगर आपके स्वयं पाक घर से निकल जाएं तो 148 बीमारियां जिंदगी में कभी नहीं आए। तो आप बोलेंगे जी डालडा की जगह क्या उपयोग करें, तेल वापरिए, और तेल कौन सा, जैसे शेंगा का, मूंगफली का तेल, तिल का तेल। तिल का तेल, मूंगफली का तेल आपके लिए सबसे अच्छा है जिस क्षेत्र में आप रहते हैं। अगर आप चाहें तो सरसों का तेल भी खा सकते हैं, राई का तेल भी उपयोग कर सकते हैं, आप चाहें तो नारियल का तेल। लेकिन आप जहां रहते हैं, इस 40 गांव के आसपास का जो क्षेत्र है, यहाँ के लिए सबसे अच्छा शेंगा तेल ही है और तिल का तेल। सोयाबीन बिल्कुल नहीं, गलती से भी नहीं। अच्छा मैं आपसे एक प्रश्न पूछ लूं, भगवान को पूजा करते हैं तो उसमें बहुत सारी दाल रखते हैं, पूजा में रखते हैं, तुअर की दाल रखते हैं, मूंग की दाल रखते हैं, मसूर की दाल रखते हैं, रखते सोयाबीन की रखते। भगवान को पूजा करते समय कभी सोयाबीन की दाल रखी, देखिए क्यों, सोयाबीन भी दाल है। चने की दाल रखते हैं, मूंग की दाल रखते हैं, उड़द की दाल रखते हैं, तुअर की दाल रखते हैं, मोठ की दाल रखते हैं, सोयाबीन की दाल कभी देखिए भगवान के सामने रखी हुई पूजा करने की, नहीं। जो भगवान को अर्पण नहीं कर सकते वो आप कैसे खा सकते। सोयाबीन की गलती से भी ना दाल खाइए ना तेल खाइए। तो समझ लीजिए बीमारियां भी सबसे ज्यादा उसी के कारण। ये जो सोयाबीन है दाल के रूप में या तेल के रूप में, ये शरीर को कभी भी हजम नहीं होता, या दूसरे शब्दों में कहूं तो सोयाबीन का कुछ भी आप खाएं शरीर उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता, उसका पाचन नहीं कर सकता, क्योंकि उसको पचाने के लिए जो कुछ एंजाइम्स चाहिए वो है ही नहीं मनुष्य के शरीर में। तो आप बोलेंगे फिर ये किसके लिए है, सोयाबीन को पचाने की ताकत सिर्फ डूकर में है और किसी में। डूकर के पोर्स में एक एंजाइम बनता है वो सोयाबीन को पचा सकता है, बाकी किसी के भी शरीर में वो एंजाइम नहीं है जो सोयाबीन को पचा सके। आप कहेंगे सोयाबीन में तो प्रोटीन है, हाँ प्रोटीन है, लेकिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करना पड़ेगा, उसके लिए जो एंजाइम चाहिए वो पोर्स में है ही नहीं। इसलिए मनुष्यों को सोयाबीन का तेल, सोयाबीन की दाल, सोयाबीन का कुछ भी, सोयाबीन का अगर वो आता है ना दूध आजकल आने लगा, ये सब निषिद्ध है आपके लिए, आप कभी मत खाना है। कितना भी सस्ता मिले कभी मत खाना, और कितना भी महंगा मिले तेल खाना, मूंगफली का हो, तिल का हो, सूरजमुखी का हो, नहीं तो मैंने आपको कहा एक तेल आता है सरसों का, सरसों का तेल इधर चलता, राई का तेल जिसको कहते हैं, नहीं चलता तो छोड़ दो, जो आपके यहाँ चलता वो ही लो, लेकिन शुद्ध तेल खाना। ये वेजिटेबल ऑयल भी है ना, ये भी तो तेल ही है ना, ये नहीं खाना था। डालडा या डालडा जैसे नाम से आता है, गगन, तरंग, नंबर एक, हनुमान जी, ये और वो, ये सब खतरे ही खतरे हैं, जहर ही जहर। तेल खाना हो शुद्ध सीधा सीधा तेल खाना, और मैं तो आज आपको ये भी कहूंगा रिफाइंड तेल भी कभी मत खाना। रिफाइंड और डबल रिफाइंड और ट्रिपल रिफाइंड, जितना ज्यादा तेल रिफाइंड होता है उतना ही जहर उसमें बढ़ता चला जाता है। मैंने अभी पिछले 3 साल एक एक्सपेरिमेंट किया खुद, मेरे पास 100 से ज्यादा ऐसे पेशेंट हैं जिनको डायबिटीज और डायबिटीज के साथ ब्लड प्रेशर और ब्लड प्रेशर के साथ गुर्दे दुखना, ऐसी 4-5 बीमारियां एक साथ हैं एक ही शरीर में, 4-4, 5-5 बीमारियां, ऐसे 100 से ज्यादा मरीजों को मैंने क्या किया, कोई औषध नहीं दिया,
उनको बताया नहीं। हमारे होम्योपैथी में मैं जो चिकित्सा करता हूँ, हम बोले नहीं तो मालूम नहीं है सामने वाले को कि वो औषध खा रहा है कि नहीं खा रहा। वो आपने देखा सफेद सफेद गोलियां होती हैं छोटी छोटी मीठी मीठी, हम उसमें औषध नहीं डालते कई बार, लेकिन पेशेंट तो खाता, वो सोचता अरे ये औषध है, क्योंकि औषध उसमें डालो या ना डालो गोली एक ही जैसी, हम उसको प्लेसिबो कहते बिना औषध के। तो मैंने 100 से ज्यादा पेशेंट को कहा कि तुमको तो यही खाना है, तो उनको लगा कि ये औषध है। और मैंने पथ्य अपथ्य में उनको कहा कि चीनी बंद आज से, शुगर बंद, गुड़ खाओ, जितना खाना है गुड़ खाओ, जितना खाना है काकड़ी खाओ, और वेजिटेबल ऑयल नहीं खाएंगे, डालडा नहीं खाएंगे, अमृत घी नहीं खाएंगे, कोई नहीं, और डबल रिफाइंड नहीं ट्रिपल रिफाइंड नहीं, शुद्ध घाणी का निकला हुआ तेल और शुद्ध गुड़, ये दो चीजें उनके जीवन में लाई और दो चीजें हटाई। आपको सुन के आश्चर्य होगा, 8 महीने से मैं उनके ऊपर ये प्रयोग कर रहा हूं, एक एक की बीमारी ठीक हो रही है, डायबिटीज उनकी नॉर्मल हो रही है, अर्थराइटिस बिना दवा दिए ठीक हो रही है, अनिद्रा की बीमारी बिल्कुल ठीक हो गई है, गैस बनना बिल्कुल बंद हो गई है, एसिडिटी बिल्कुल चली गई है, मोटापा कम हो रहा है, सब बीमारियां बिना औषध ठीक हो रही। लेकिन वो पेशेंट नहीं जानते, मैं जानता हूं। पेशेंट क्या सोचते, वो राजीव भाई की औषध बड़ी मात्र से। तो आपके स्वयं पाक घर से जो निकालने की चीज है वो एक तो शक्कर है चीनी और दूसरा है डालडा घी। इन दोनों को जितनी नफरत कर सके उतनी करें, और प्रेम करना है मोहब्बत करनी है तो गुड़ के साथ करिए, काकवी के साथ करिए, और प्रेम करना है मोहब्बत करनी है तो शुद्ध तेल के साथ करिए जो घाणी से निकल के आपके घर में आता है। शुद्ध तेल जितना भी खाएंगे कोई परवाह मत करिए, बिल्कुल हृदय घात की चिंता मत करिए। बहुत बार डॉक्टर आपको बोलते हैं ना तेल मत खाओ, घी मत खाओ, नहीं तो हार्ट अटैक आ जाएगा, ऐसे सभी डॉक्टर के साथ में चैलेंज करके शास्त्रार्थ करना चाहता हूं। तेल और घी शरीर के लिए उतना ही आवश्यक है जितना आपके शरीर के लिए पानी। अगर तेल घी नहीं होगा शरीर में, आपका शरीर नहीं चलेगा। आप जानते हैं ये आपके घुटने चलते हैं, कमर आप नीचे ऊपर होते हैं, सवेरे से शाम तक कितनी बार आप बैंड करते हैं फिर भी ये काम करती है, कितना किलोमीटर चलते हैं फिर भी ये काम करते हैं, ये सब तेल और घी का ही प्रताप है। तेल भी चाहिए शरीर को, घी भी चाहिए, लेकिन कौन सा तेल और कौन सा घी ये महत्व की बात है। फैट्स चाहिए, बिना फैट्स के जिंदगी चलेगी नहीं, लेकिन अच्छा वाला फैट चाहिए, जिसको सरल भाषा में कहूं गुड फैट्स चाहिए, और ज्यादा अच्छी भाषा में कहूं परिष्कृत भाषा में कहूं तो आपके शरीर को हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जरूर चाहिए HDL, और जो नहीं चाहिए वो LDL और VLDL, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये भी फैट का एक स्वरूप है, और LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये भी फैट का एक स्वरूप है। तो LDL VLDL तो नहीं चाहिए, HDL चाहिए, बिना उसके शरीर चलेगा नहीं। और HDL सबसे ज्यादा मिलता है वो शुद्ध तेल में ही मिलता है, शुद्ध तेल माने जो घानी से निकलकर सीधे घर में आया वो तेल। आप कहेंगे जी उसमें बांस आती है, वो बांस ही तो उसकी प्रोटीन है। फिर आप कहेंगे वो दिखने में अच्छा नहीं लगता, उसका कलर ही प्रोटीन है। अगर तेल का कलर निकाल दिया तो तेल का सत्यानाश कर दिया आपने, उसकी बांस निकाल दी तो तेल सवा सत्यानाश हो गया। उसकी बांस और उसका रंग, ये दोनों आपको जो खराब लग रहे हैं वास्तव में वही HDL है, उसी में से HDL बनेगा, और वो बहुत आवश्यक है। करड़े चलेगा, राई का तेल चलेगा, करड़े का तेल चलेगा, सूरजमुखी का चलेगा, आपको शेंगा का तेल चलेगा, आपको तिल का तेल चलेगा, आपको नारियल का तेल चलेगा, सोयाबीन छोड़कर कोई भी चलेगा। हाँ एक तेल नहीं चलेगा, वो ध्यान रखना, वो भारत में तो होता नहीं है, आजकल बाहर से आने लगा है, पामोलिन तेल, ये नहीं चलेगा। ये पामोलिन तो बहुत ही खराब है, खराब से भी ज्यादा खराब, डालडा से भी ज्यादा खराब है पामोलिन।
कारण क्या है, पामोलिन को डिसइंटीग्रेट करने के लिए शरीर का तापमान ही चाहिए कम से कम 40 से 47 डिग्री, और वो होता नहीं कभी, बुखार आने पे ही होता है वो तो। इसका मैंने स्वस्थ आदमी को पामोलिन तेल कभी भी डाइजेस्ट नहीं है। तो अब आप एक जिंदगी का नियम बना लीजिए, किसी भी होटल में खाना खाने जाएं, वैसे तो ना जाएं तो बहुत अच्छा है, लेकिन खाना खाने जाएं तो सबसे पहला सवाल पूछिए किस तेल में खाना बनाया, तो कहेगा डालडा में, तो नमस्ते जी नहीं खाते, तो फिर कहेगा नहीं जी मैंने तो पामोलिन में बनाया, तो डबल नमस्ते और भी नहीं खाते, तो फिर कहेगा मैंने रिफाइंड में बनाया है डबल रिफाइंड में, तो और तीन नमस्ते, तो फिर कहेगा फिर कौन सा खाना आप खाते, तो उससे पूछो करड़ी के तेल में बनाया, शेंगा के तेल में बनाया, तिल के तेल में बनाया, राई के तेल में बनाया, तो खाएंगे, ये पामोलिन के तेल में नहीं खाएंगे, डबल रिफाइंड में तो गलती से भी नहीं खाएंगे। आप अगर फरसान भी खरीदते हैं ना बाजार से, उससे भी पूछ लीजिए कौन से तेल में बनाया, तो ये पूछ कर ही खरीदे। और अगर आपको ज्यादा चिकचिक झंझट लगता है तो घर में खुद बना लीजिए, फरसान बाजार से क्या लाना, उतना तो हम कर ही सकते हैं। तो ये सूत्र, आखिरी सूत्र से फिर मैं उल्टा चलता हूं, पीछे तक आता हूं। आखिरी सूत्र ये है कि अपने रसोई घर में से दो चीजों को निकाल के बाहर करिए, एक तो शुगर, चीनी, शक्कर, और दूसरा ये डबल रिफाइंड तेल, ट्रिपल रिफाइंड तेल, डालडा, वनस्पति घी, वेजिटेबल ऑयल, ये दोनों बाहर करिए। अंदर क्या लाना है, स्वयं पाक घर में लाना है गुड़ या तो काकवी, और तेल के रूप में तो जो भी शुद्ध तेल आपके आसपास निकलता है उसको, ये दोनों घर में लाना है और ये दो बाहर से लेना है। भोजन में इसका कल से ही अगर करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा आपको। आप में से किसी को भी अगर डायबिटीज है, किसी को भी गुर्दे दुख रहे हैं, किसी को भी कमर दुख रही है, ये कल से ही शुरू कर दीजिए। शक्कर बन गुड़ चालू, शक्कर बन काकवी शुरू, और ये रिफाइंड तेल बन शुद्ध तेल शुरू। मैं 15 दिन की आपको गारंटी दे रहा हूं, 15 से ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, 15 दिन के बाद आप अपनी शुगर टेस्ट कराना, पहले से ज्यादा बेहतर स्थिति होगी, और 2 महीने बाद कराएंगे तो शुगर हो सकता है नॉर्मल ही हो जाए, बिना इंसुलिन के, बिना औषधि के। ये गुड़के दुखना अपने आप बंद हो जाए, कमर दुखना अपने आप बंद हो जाएगा, पेट में एसिडिटी अपने आप खत्म हो जाएगी, ये चला ही जाएगा, शरीर आपका पहले से बहुत अच्छा हो जाएगा। चाय में भी गुड़ की चाय बनती है कि नहीं, और वो शक्कर से अच्छी होती है, टेस्ट में भी अच्छी है। गुड़ की चाय पीजिए, काकवी की चाय पीजिए, दूध में डालना है तो गुड़ मिलाइए, दूध में मिलानी है तो काकवी मिलाइए, अगर ताक में मिलाना है तो गुड़ मिलाइए, और मिलाना है तो काकवी मिलाइए, शुगर बिल्कुल बंद। बासुंदी भी खानी है तो गुड़ की खाइए, हाँ बासुंदी गुड़ की खाइए, खीर बनानी है तो गुड़ की बनाइए, खीर बनानी है तो काकवी की बनाइए, लड्डू बनाना है तो गुड़ का बनाइए, काकवी का बनाइए, जो मिठाई आपको बनानी है खूब बनाइए, गुड़ की बनाइए। गुड़ आप कितना भी खाएंगे तकलीफ नहीं आएगी। मैं तो सबको बोलता हूं जिनको डायबिटीज है वो भी गुड़ खाए तो तकलीफ नहीं आएगी, क्योंकि गुड़ में जो शुगर है ना वो मोनोसैकेराइड्स फॉर्म में है, और शक्कर जो है वो पॉलीसैकेराइड, दोनों में जमीन आसमान का, इसलिए गुड़ खाइए काकवी खाइए कोई तकलीफ नहीं। बासुंदी भी खाए गुड़ की, दूध में डालना तो गुड़, दूध में मिलाना तो काकवी, अगर आपको शरबत पीना मान लीजिए तो गुड़ का पीजिए ना, गुड़ का शरबत क्या बुराई है। नींबू की शिकंजी बनानी है गुड़ में बनाइए, काकवी में बनाइए, शक्कर बिल्कुल बंद कर दीजिए।